शांति 15/11/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कायदा कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए। चलते 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 फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हैं। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े ही किसको है कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सदगति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि यह हमारे गॉडफादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमद से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमद पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई यह भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहां निराकार शिव और कहां श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश
कर इनको सो श्री कृष्ण, फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते अब तक तुम जो कुछ पढ़ते हो, अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं। जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मर्जीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारक्ती दे दी। बाप का बनकर नाम रखा कर भाग गए, यह तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पौत्र हो। बाप कहते वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो, इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वह तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त या व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो, इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान, कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। भगवान है ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप, उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं, यह बातें नए के बुद्धि में बैठेंगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाट बजाया, वहां से पाट बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। यह समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। यह बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है, कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, अब तो क्या हाल हो गया है। यह सारा खेल भारत पर है, तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए, दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा।
तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध है, न कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया, झूठी माया, यह भारत झूठ खंड है। सच खंड था जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं, उनके लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार। पत्थर भित्तर में ईश्वर, कितनी ग्लानी करते हैं, कितनी गाली देते हैं। क्या यह सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है, वह कैसे औरों की सदगति करेंगे? तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सरताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले और वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एकरस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते, 2 वर्ष बाद पतित बन पड़ते हैं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़े ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारक्ती थोड़े ही देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती, सुनंती फिर भी भागंती हो माया के बनंती। ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती, उसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक स्वर्ग का ठौर ना पावंती। बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे फिर टू लेट हो जाएंगे, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है।
कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि